अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साउथ एशिया टीवी। मेरा नाम अबशर लुकमान है एंड वंस अगेन वी हैव अ वेरी रेनाउंड गेस्ट विद अस, एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, कर्नल रिटायर्ड धनवीर सिंह। पहले भी आ चुके हैं और बड़ी लोगों ने हमें फरमाइश भेजी थी कि कर्नल साहब को दोबारा लेके आएँ, बिकॉज एवरीबडी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई हिज पर्सनैलिटी एंड हिज लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। कर्नल साहब, वेलकम अगेन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद। कल साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त, पहले लेट स्टार्ट ऑफ विद पाकिस्तान, बड़ी एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर है साउथ ईस्ट रीजन में। आपकी नज़र में जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इसके पीछे आप लोग हैं, रॉ है कि कोई और है? देखिए, अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे ना रॉ है ना हम है, और उसके अलावा किसी और चीज की बात कर रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत चल रहा है, और अगर मेरी भाषा में बात करें तो मैं इसको पाकिस्तान के अंदर साइलेंट रेवोल्यूशन का नाम देता हूं। और साइलेंट रेवोल्यूशन मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब जो इस्लामिक पार्टीज हैं इस मुल्क की, उन्होंने अपना जो वेट है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ में डाला हुआ है। और ये जो इस्लामिक पार्टीज हैं, ये मेरे ख्याल से 2002 के बाद अब दोबारा से लामबंद हुई हैं, और इस बार वो डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन पार्टीज के साथ लामबंद हुई हैं, और इस टाइम उनका टारगेट जो है एस्टैब्लिशमेंट है, और मिल्ट एस्टैब्लिशमेंट जैसे आप लोग बोलते हैं, और आपके इमरान खान साहब हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, जो जो मंजन जो बेचा जाता था, जो आवाम के अंदर की जो भी कोई चीज पाकिस्तान में हो रही है वो हिंदुस्तान करवा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक अब ये मंजन भी कामयाब नहीं है, ये मंजन भी नहीं चल रहा है। तो बेसिकली दिस इज अ बिग रेवोल्यूशन दैट पाकिस्तान इज अंडर गोइंग, एंड लेट मी टेल यू, विद दिस रेवोल्यूशन पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान के आम लोगों का फायदा होगा और हिंदुस्तान का नुकसान होगा। कल साहब, एक बात तो मुझे बताइएगा, और बल्कि इस पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को। आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं स्ट्रेट बात कर दूं? नहीं नहीं, मैं क्यों माइंड करूंगा, आप बिल्कुल अपनी बात करें, आप पाकिस्तान से बोल रहे हैं, हमें मालूम है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट बात करूंगा अब। और वो ये है कि देखें, हिंदुस्तान में भी आरएसएस की गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो एक फंडामेंटलिस्ट तो हैं। तो पाकिस्तान में आज तक किसी फंडामेंटलिस्ट पार्टी की या ग्रुप की गवर्नमेंट नहीं आ सकी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने 70 साल में जब भी वोट दिया, जितनी बार भी दिया, वो ट्रेडिशनली लिबरल पार्टीज को दिया है, नॉट रिलीजियस पार्टीज, अनलाइक इंडिया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जहां तक पाकिस्तान की जो जमातें हैं, जो रिलीजियस जमातें हैं, उनको खुलकर उस तरीके से डेमोक्रेटिक वे में सपोर्ट नहीं मिला है। मेरे ख्याल से 11.2% परसेंटेज इनका वोट शेयर रहा है ओवरऑल, जहां भी इस किस्म के लोग जो है इलेक्शंस लड़े हैं। तो ये बिल्कुल एक काबिले तारीफ चीज है, लेकिन पाकिस्तान के साथ में जो एक ही प्रॉब्लम रही है कि उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कोई ज्यादा वैल्यू पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों ने रखी नहीं, या जो अखलाई जो ताकतें हैं उन्होंने उसको ज्यादा दर्जियत नहीं दी, अहमियत नहीं दी। और ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान के अंदर फंडामेंटलिज्म और फंडामेंटलिस्टिक जो लीनिंग वाली पार्टी है वो अभी इस समय बिल्कुल इक्तदार में है, और ये आरएसएस बिल्कुल राइट विंग है, और बीजेपी उसका एक पॉलिटिकल चेहरा है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी इस समय राइट विंग पार्टी जो है इंडिया को रूल कर रही है। अच्छा सर, अब आ जाते हैं ये 2+2 जो आपकी मीटिंग हुई है, जो माइक पॉम्पियो जिसको हेड कर रहे थे, हाउ डू यू लुक एट दिस? आप लोगों ने बीका भी साइन कर लिया, 58 कंट्रीज हैं दुनिया में जिन्होंने अब इंक्लूडिंग इंडिया जिन्होंने उसको साइन किया, लेकिन इसका कितना फायदा होगा आपको? ओके, इसको मैं इसको ऐसे करूंगा कि हमने साइन जरूर किया है, बट हिंदुस्तान इसका कितना फायदा लेगा,
दोनों में फर्क है कि कितना फायदा होगा और कितना फायदा लेगा। श्योर अमेरिका चाहता है कि हम बहुत सारा फायदा ले लें, लेकिन हम बहुत सारा फायदा लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत वाइड स्प्रेड है, जहां तक कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक जो जो स्ट्रेटेजिक एग्स इन द बास्केट है वो एक बास्केट में नहीं है, वो अलग अलग है। हमारा बहुत सारा दारोमदार जो है रशिया पर डिपेंडेंट है, हम फ्रांस पे भी डिपेंडेंट है, हम बहुत सारी चीजें जापान से भी लेते हैं, और इस तरीके से एक बहुत वाइड स्प्रेड जो है हमारा एक्सपांस है। इसके अंदर साउथ कोरिया भी शामिल है, इसराइल भी है। इसराइल है, इसराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, ब्राजील से भी कुछ चीजें ली है। तो हम पूरा फायदा जिस तरीके से आप हिंट कर रहे हैं, जैसे लोग समझते हैं, हम वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। और हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा बेहतर इसको कौन जानता है, जब आपके यहाँ पे कश्मकश चाइना और अमेरिका की है, जब चॉइस ही दो में है, तो हम ऐसी सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहते। हमारी तो बड़ी प्रॉब्लम है, एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका। हम इसके साथ जाते हैं तो वो नाराज होता है, उसके साथ जाते हैं तो वो नाराज होता है। हम न्यूट्रल रहने की बात करते हैं तो दुनिया मानती नहीं है। हाँ, ये बड़ी जो इशू है, आपके जो लीडर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो भी आप बात कह लें, जो 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 फाइनेंशियल जो एड है, जो असिस्टेंस है, वो आपको वेस्टर्न कंट्रीज से ही आएगी, चाइनीज कभी नहीं देंगे। चाइनीज जो है बहुत ही एक्सप्लॉयटिव किस्म के लोग हैं, और जैसा कि आपने माइक पोम्पियो को भी सुना होगा और बाकी लोगों को भी, जो हमारी थिंकिंग के हिसाब से जो लोग सोचते हैं उनके उनसे सुना होगा कि जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ये कितना डेंजरस है और कितने सारे कंट्रीज जो है इसके अंदर फंसे हुए हैं, और कुछ लोगों ने निकलने की बाहर कोशिश करी है, जैसे श्रीलंका, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये बहुत ही खतरनाक खेल हो जाएगा, इससे आपकी जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। तो आपके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको वो भी बैलेंस करना है, आपको सीपीईसी भी चलाना है और साथ में आपको अमेरिका को भी साथ में रखना है। ये आपकी आपकी समझदारी होगी। अगर आप नहीं रखेंगे और आप एक तरफा चाइना की तरफ चले जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान में, जब हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो ये आज वाला हिंदुस्तान नहीं है और आज वाला पाकिस्तान नहीं, हम हिंदुस्तान जब बोलते हैं तो सुलेमान की पहाड़ी से लेके और अराकान की पहाड़ी तक, कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, ये जो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर 5-6 मुल्क आते हैं, ये हिंदुस्तान है। और जब इतिहास लिखा जाएगा 300, 400, 500 साल बाद, तो ये कहेंगे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी जो कलकत्ता से आई थी, और एक चाइनीज आए थे 300 साल बाद सीपीईसी के जरिए हिंदुस्तान में, पहले वो पाकिस्तान में घुसे और फिर धीरे 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 करके वो पूरा हिंदुस्तान उन्होंने कब्जा लिया। ये थोड़ी फिलोसफिकल और उस तरीके से बात, प्रॉब्लम एक और है आपको, आपको मैं ये चीज समझाने के लिए, प्रॉब्लम एक और है, हाइपोथेटिकल मिसाल दिया, प्रॉब्लम एक और है कि हमारे फेवरेट मोदी जी जो हैं, उनको ये बात नहीं समझ आई ना जो आप कह रहे हैं। अब चलिए, मोदी जी को क्या समझ आई क्या नहीं आई वो तो मोदी जी जानते हैं, हम तो एनालिस्ट लोग हैं, थिंकर लोग हैं, हमारा काम है सोचना और आप जैसे लोगों से बातचीत करना और अपनी बात को कहना। कर्नल साहब, एक सीरियस क्वेश्चन है, और वो ये है कि काफ़ी थिंकर्स जो हैं साउथ एशिया के, हमारी जब लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। लद्दाख तो ऑलमोस्ट काफ़ी आपने एरिया दे दिया और अब अरुणाचल की बारी है। हाउ डू यू लुक एट दैट? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरुणाचल तो खैर बहुत दूर का ख्वाब है। लद्दाख के अंदर भी जो कैलाश रेंजेस हैं वो हमने 29th और 30th सितंबर को उस पर कब्जा किया, और उसके चलते जो एडवांटेज चाइना चल रहा था 3-4 महीने से, वो बिल्कुल टॉपल हो चुका है। चाइनीज काफी बैकफुट पे हैं, परेशान हैं, और उनको एक एग्जिट रूट चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए, और वो हमारे मोदी जी उनको देना नहीं चाह रहे हैं, और इस चक्कर में ये पेच लड़ा हुआ है, बहुत गंभीर पेच लड़ा हुआ है।
और सिचुएशन टेंस है, और लेकिन जो है वो है, आपके भी सामने है। अब जो है आगे आपको क्या लग रहा है, लद्दाख पे इस पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के जो नतीजे हैं वो बहुत खतरनाक होंगे, और खतरनाक हिंदुस्तान के लिए और हमसे ज्यादा चाइना के लिए होंगे। क्योंकि चाइना की अगर आप बात माने तो चाइना के अंदर सब नेशनलिज्म जो है 3 मेजर एरियाज में चल रहा है, विच कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 70% ऑफ चाइना, एंड दैट इज इनर मंगोलिया, आपका जिंजियांग जहां पर मुसलमानों के ऊपर बहुत तशद्दुद और कंपैरेटिव उसका एनालिसिस जो अभी लोग कर रहे हैं कि जो नाजी जर्मनी में जूस के साथ हुआ उस तरीके से चाइना में हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मुसलमानों को ले जाया गया है, कुरान में तब्दीली करी गई है, वहां पर उनको रमजान रोजे रखने का वो अलाउड नहीं है, और अभी मेरे ख्याल से हज के ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगाई है, और पुरानी पुरानी मस्जिदों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है म्यूजियम्स में और स्कूल में, तो इस तरीके की कार्रवाई वहां चल रही है। और तीसरा इलाका है टिबेट रीजन, जो कि ऑटोनोमस रीजन है, वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड नहीं है, बिल्कुल डिस्प्यूटेड नहीं है, ये सारे के सारे रीजन्स पूरी दुनिया जो है मान गई है कि ये चाइना का हिस्सा है, चाइना भी वन चाइना पॉलिसी कहता है, चाइना भी अब उनको अपना रीजन मानता है, लेकिन इनके लोगों में उस तरीके का की भावना है। और सबसे इंपॉर्टेंट खतरा जो चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसको पड़ता है नेशनलिस्ट से जो कि ताइवान में बसते हैं, तो चाइना के लिए अगर ये सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट में बदली होती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन चाइनीज के साथ हो जाएगी, क्योंकि चाइनीज के साथ में एक तो इशू ये वाला है, इंटरनल इशू है, जहां पर जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो इंटरनल राइट्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड राइट्स, ये सबसे ज्यादा चाइना के अंदर होते हैं, मेरे ख्याल से लाखों में इसकी संख्या होती है पूरे साल के अंदर, तो चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है ये। और अगर और दूसरा इशू है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन नहीं, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी जो वेपन टेक्नोलॉजी जो भी इन्होंने बनाई है वो री इंजीनियरिंग करके बनाई, इट हैज नेवर बीन प्रूवन इन वॉर, राइट। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है JF-20, इन्होंने जो उसके पैरामीटर्स दुनिया के सामने जो हाजिर करे हैं उसके हिसाब से बड़ा सिंपल उसका तरीका उसको देखने का है कि उस पैरामीटर्स में उस वेट रेशो में अगर आपको जहाज बनाना है तो उसके लिए एक एक्स अमाउंट ऑफ थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए, उन्होंने इंजन भी एक रशियन इंजन का इस्तेमाल किया है जो कि अंडर पावर्ड है फॉर दैट एयरक्राफ्ट, सो देर आर सो मेनी थिंग्स। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी, फॉर दैट मैटर वो आप सही कह रहे हैं, मैं आई एग्री विद यू, बट विद ऑल बहुत बड़ी, और इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, ये तो मैंने चाइनीज की कमजोरी बताई, इंडिया की कमजोरी बताना भी बहुत जरूरी है। इंडिया की कमजोरी ये है कि चाइना ऑन वन साइड वो सारी चीजें खुद बनाता है, चाहे वो थोड़ी सी क्वालिटी में कमजोर हो लेकिन सारी चीजें डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, डिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान का 65-70% वेपनरी जो है वो रशिया से आता है, और रशिया और चाइना की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिकली और इंडिजिनसली बहुत कम चीजें बनती हैं। प्रॉब्लम एक मुझे बताएं ना, मुझे एक प्रॉब्लम बताएं कि आज के दिन एज वी स्पीक 5 और राफेल जो हैं वो इंडिया में लैंड कर चुके हैं, तो टोटल अब 10 हो गए हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम थ्योरी अप्लाइज टू राफेल, क्योंकि वो भी कोई वॉर ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, वो तो वॉर में जब परफॉर्म करेगा तो पता चलेगा। देखिए वो आपकी बात सही है, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं तो जो दसों है जो कंपनी बनाती है उसने कितने सारे जहाज इसी चीज के सेस्ना के कितने जहाज डिसकंटिन्यू करने पड़े, एयर बोइंग जैसे जहाज का कंपनी का जो सबसे सक्सेसफुल कंपनी है 737-800 जो है पूरे को रिकॉल करना पड़ गया, वो उनका नहीं हुआ सही। सो दीज थिंग्स अनलेस एंड अंटिल जो आप कहते हैं वेपन का असल टेस्ट तो वॉर है ना, वो ट्राइड एंड टेस्टेड तो नहीं है जी। बट एक आप बात मानेंगे कि जो फ्रेंच जो आपका ये रफाल है ये लीबियन वॉर में इस्तेमाल हुआ, ये सीरिया के ऊपर इस्तेमाल हुआ है, और सर ऑपोजिशन तो देख लेना क्या थी खुदा के लिए। आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई भी वेपन है उसका असली टेस्ट
एक वॉर ही होता है, और इंडिया में रफाल जरूर आया है, लेकिन उस लेवल पर जितनी तादाद में आने चाहिए वो उतनी तादाद में नहीं है. तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं, हमारे भी ड्रॉबैक्स हैं, चाइनीज ड्रॉबैक्स भी हैं, और तो कोई भी इशू जो है ये सेटल बॉर्डर पे नहीं होगा ऐसे वाला, क्योंकि चाइनीज अगर पूरा फोकस इंडिया पे लगा देंगे तो उनकी असली कहानी इंडिया नहीं है, असली कहानी उनकी ताइवान है, असली कहानी उनकी साउथ चाइना सी है. बट एक प्रॉब्लम है कल सर जी, इफ आई मे नाउ दिस टाइम आई विल बी स्पीकिंग एज अ पाकिस्तानी, ठीक है ना जी, कि अमेरिका ने आपको आगे लगाया हुआ है, जितना मर्जी वो आपसे बीका कर ले, शीका कर ले, बट एट द एंड ऑफ द डे चाइना के मिसाइल तो इंडिया में गिरने हैं, तबाही तो आपकी होनी है, वो न्यूयॉर्क में तो जाके गिरेंगे नहीं, या एलए में. तो डोंट यू थिंक इंडियंस आर पेइंग अ हेवी प्राइस? तो तबाही हमारी भी होगी, चाइना की भी होगी, चाइना को भी पता है, हिंदुस्तान को भी पता है, और होनी चाहिए ना, दोनों साइडों पे नहीं होनी चाहिए. आजकल आजकल ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स की आप जो हिंट कर रहे हैं ये बहुत ही आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है. दीज आर जस्ट गारंटर्स ऑफ पीस. आजकल आजकल लिमिटेड एरिया, हाई टेक्नोलॉजी, हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर का जमाना है, बहुत ही लोकलाइज्ड वॉरफेयर होंगे, बहुत हाई इंटेंसिटी, बहुत टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव होंगे, और उसी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है सर ऐसा नहीं होता ना, मैं आपको बताता हूँ, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट फॉर अ मिनट. कि फर्ज करें मैं पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का बॉर्डर खोल देता हूँ और आप इंडिया के आर्मी चीफ हैं, तो अब वॉर गेम हो रही है ना, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फौरन तौर पे रहीम यार खान और उसके एलाइड बॉर्डर्स जो हैं उनको फौरन आप खोल दें, क्योंकि आप मुझे थिन आउट करेंगे वहां पे. सो लिमिटेड एरिया तो ना रहा ना, वो तो पूरा उसका स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाएगा. नहीं, वो आप लुकमान साहब बात कर रहे हैं आज से 20 साल पुरानी, अब ऐसे नहीं लड़ाई होती है, अब ये इस टाइप की स्ट्रेटेजी भी नहीं है, और क्या स्ट्रेटेजी होगी इसके बारे में तो हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए. okay. लेकिन अभी ये जो जिस तरह आप हिंट कर रहे हैं वो नहीं होगा, और ऐसा ऐसा वो इंटरेस्ट में भी नहीं है, करेंगे भी नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी. अभी गेम दूसरे तरीके से खेला जाएगा, अगर फ्रंट ओपन भी होता है तो वो फ्रंट उस तरीके से नहीं लड़ाइयां लड़ी जाएंगी जैसे पहले 20 साल पहले लड़ी गई थी या 40 साल पहले लड़ी गई थी. अभी लड़ाई लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया, और उसमें रहीम यार खान की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल चीजें, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाई इंटेंसिटी लोकलाइज्ड विद हाई टेक्नोलॉजी इस तरीके की लड़ाई होगी, बहुत ही खतरनाक लड़ाई होगी, और उसका जो खतरे हैं और उसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ होंगे. तो ये एक अलग टाइप का सीन है. तो बहुत अच्छा नहीं होगा कि कम अज कम पाकिस्तान और इंडिया को तो बैठ के नो वॉर पैक्ट पे साइन करना चाहिए, अपने डिस्प्यूट्स को खत्म कर देना चाहिए. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो खैर ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप लोगों की स्टेटेड पॉलिसी और आपका जो पूरा जो इख्तदार है वो एंटी इंडिया है, आपकी तो फौज ही इंडिया के खिलाफ बनी है. सर छोड़े ना, इंडिया की भी फौज को हमारे से अपना क्रिकेट खेलने के लिए तो नहीं आ रही ना, तो वो तो अब दोनों साइडों पे है ना. खैर इंडिया की फौज के साथ में और इंडिया के साथ में सबसे बड़े जो सैड स्टोरी रही है वो ये रही है कि बार बार हम पाकिस्तान की तरफ जो है वहीं पे फोकस रह जाता था हमारा, और ये हम सबको मालूम था कि पाकिस्तान इज जस्ट अ एनिमी, देयर इज समबडी एल्स हु इज प्रॉब्लम. एक और है कल साहब, टुडे आई विल इंटरप्ट यू, सॉरी. अच्छा अब मैं थोड़ा सा लंबा सवाल कर रहा हूँ, सवाल नहीं कर रहा मैं, एक आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, एंड प्लीज मुझे आप एंड में करेक्ट करिएगा, आपको मैं पूरा टाइम दूंगा. कि मैं जब देखता हूँ डिप्लॉयमेंट, जब मैं देखता हूँ इंडियन फोर्सेस की, इंडियन ट्रूप्स की, जब मैं इन्वेस्टमेंट्स देखता हूँ, चाहे वो रेलवे ट्रैक्स की है, चाहे एमओ डम्प्स की है, चाहे पीओएल स्टेशंस की है, चाहे मैं एयरपोर्ट्स देखता हूँ, जो पठानकोट हो, जो भी हो, अम्बाला हो, सारे, तो आपकी 80% जो फोर्स है ना वो पाकिस्तान सेंट्रिक है. तो व्हेन यू से पाकिस्तान अ एनिमी, तो मुझे समझ नहीं आती है हु इज द अदर एनिमी, क्योंकि आपकी सारी स्ट्रेंथ तो यहाँ पे आई हुई है. नहीं, बिल्कुल 80% हमारी स्ट्रेंथ वहां पर नहीं आई हुई है. वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अनफॉर्चुनेट है कि वो परसेप्शन जो है इस तरीके से वो है, ऐसा नहीं है. अगर आप फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हमारा जो द एनिमी है लॉन्ग टर्म एनिमी, सी रिक्वायरमेंट, आप एम्स देखिए, गोल्स देखिए, आपका पाकिस्तान का गोल है कश्मीर, लिमिटेड इज कश्मीर,
और कश्मीर के चक्कर में आपने सारे जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी, हाँ वो कश्मीर, एम ही कश्मीर है, पर वहीं पे शुरू होता है, वहीं खत्म होता है। और दूसरा एम जो उसको फ्यूल करने वाला एम है वो हिंदू, एंटी हिंदू, हिंदू एनिमोसिटी। यहाँ पे एंटी हिंदू नहीं है सर, ये मैं आपको गारंटी करूं, टेक माय वर्ड फॉर इट, टेक माय वर्ड फॉर इट। नहीं, मैं, हम तो नहीं है, आप तो हैं। नहीं है सर, नहीं है। चलिए आप, मैं आपको टेक इट ऑन माय ऑनर के पाकिस्तान में कोई एंटी हिंदू सेंटिमेंट नहीं है। चलिए दैट्स वेरी नाइस। अगर आप, मैं आपको ये फैक्ट बता सकता हूं, अगर मैं आपको बताना शुरू करूं विच इंडियन हिंदूज आर कंसिडर्ड आइकॉन्स ओवर हियर, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई और, यू विल बी शॉक्ड। आप विराट कोहली को इधर ले आए, आप विराट कोहली को इधर ले आए तो कर्फ्यू भी नहीं काम होगा, उसको लोग इतना मिलने चले जाएंगे। चलो दैट्स सो नाइस। तो मैं जो आपको बता रहा था कि वो कश्मीर, लेकिन हम लोगों का कश्मीर, कश्मीर और पाकिस्तान, ये एक इशू है, इट्स अ बिग चैलेंज इन एनी केस। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो नेवी है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी एयरफोर्स थोड़ी डिन्यूडेड है, वो पूरी जो आर्मी है इसका फोकस जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। चाइनीज सेंट्रिक हमारी मेजॉरिटी ऑफ द फौज है, बिल्कुल है, और हमारी नेवी आप मान के चलिए कि 80-90% चाइनीज सेंट्रिक है। हमारे को इंडियन ओशन आर्पिलिगो को देखना है। अभी हमें नया वो हुआ है कि अब हम पैसिफिक में भी अपनी कार्रवाई और अपनी जो टेंटिकल्स है उधर फैला रहे हैं। तो हम लोगों का फोकस अलग है, आप लोगों का अलग है, तो ये कहीं ना कहीं जब जो मैचिंग होती है वो सिर्फ वो कश्मीर पे आके थोड़े से हमारा वो होता है। लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न, हमारी रिक्वायरमेंट जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक विजन है, जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है, दे आर समवेयर एल्स एंड दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान। राइट कर्नल तनवीर सिंह, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे, और बड़े आपने पेशेंस से सारी बातें सुनी हैं, एंड आई थैंक यू फॉर दैट, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू विद अस वेरी सून। लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे थे बातें लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड तनवीर सिंह की, और बड़ा खुल के बात कर रहे थे। अगर आपने इनको कोई क्वेश्चन करना है जो हम नेक्स्ट टाइम इनको पुट अप कर सकें, तो कमेंट्स में प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।